हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। तो इंडियन फुटबॉल टीम और एशियन गेम्स के बीच अब बस पीटी उषा रह गए हैं। क्या है इसके पीछे का पूरी बात, हम आज बात करेंगे। इग्निस डिमार्च के लेटर को क्यों सही से नहीं ले रहे हैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, और गोथिया कप में जाहिर है मिनर्वा एकेडमी का दबदबा, कितना है इंडियन फुटबॉल टीम के लेटेस्ट फुटबॉल रैंकिंग। इन्हीं सब सवालों का जवाब लेकर मैं हूँ आपके होस्ट पार्थ। आइए वीडियो को देखते हैं। सबसे पहले गाइस, वी विल टॉक अबाउट इंडियन फुटबॉल टीम्स पार्टिसिपेशन इन एशियन गेम्स। अब कुछ दिन पहले ऐसा न्यूज निकल के आ रहे थे कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने यहाँ पे इंडियन फुटबॉल टीम के नाम को एशियन गेम्स के लिए भेजा है, आफ्टर लॉट्स ऑफ प्रोटेस्ट बाय इंडियन फुटबॉल फैंस ऑन सोशल मीडिया। जी हाँ, तमाम प्रोटेस्ट और टिप्पणी को देखकर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को भारतीय फुटबॉल टीम का नाम एशियन गेम्स के लिए भेजना ही पड़ा। लेकिन अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रहे है के मुताबिक पीटी उषा इंडियन टीम के इस पार्टिसिपेशन के खिलाफ है, और पीटी उषा यहाँ पे आईओए को अपना डिसीजन को एक तरफ से बैक ट्रैक करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। कल तक इंडियन फुटबॉल टीम का एशियन गेम्स में पार्टिसिपेशन का चांस जितना ज्यादा था दोस्तों, आज उतना ही कम है, और इसके लिए कई मीडिया रिपोर्ट पीटी उषा को जिम्मेदार मान रहे है। अब गाइज, पीटी उषा के मुताबिक इंडियन टीम एशिया के टॉप 8 फुटबॉल टीम के बीच नहीं है, तो इसीलिए आईओए इंडियन फुटबॉल टीम को एशियन गेम्स में नहीं भेजेंगे, ताकि स्पिरिट्स ऑफ द गेम और स्पोर्ट्समैनशिप के दौरे पर आईओए काम करे। लेकिन गाइस, वही पीटी उषा हैंडबॉल और बास्केटबॉल जैसे टीम्स को एशियन गेम्स भेजने के लिए रेडी है, जो कि अपने रेस्पेक्टिव कैटेगरी में एशिया के टॉप 8 कंट्रीज के बीच नहीं है। यहाँ पे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट इस विषय पे बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे है इंडियन फुटबॉल टीम का एशियन गेम्स में पार्टिसिपेशन के लिए। कल्याण चौबे दिन रात काम कर रहे हैं। कल्याण चौबे ने पहले अमित शाह के साथ बातचीत किया, उसके बाद गाइस स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर के साथ भी कल्याण चौबे ने डिस्कस किया, और देखा जाए तो कल्याण चौबे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का जॉइंट सेक्रेटरी भी है। तो यहाँ पे कल्याण चौबे का ये मूवमेंट्स कहीं ना कहीं पीटी उषा को हजम नहीं हुआ, एंड नाउ शी इज आस्किंग आईओए टू ट्रैक बैक इट्स डिसीजन टू सेंड इंडियन फुटबॉल टीम फॉर एशियन गेम्स। दोस्तों याद रखिएगा, पीटी उषा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है, तो किस स्पोर्ट को एशियन गेम्स में भेजना है, किस स्पोर्ट को एशियन गेम्स में नहीं भेजना है, द फाइनल कॉल इज हर्स। अब पीटी उषा अपने पॉलिटिकल इमेज को बचाने के लिए मीडिया के सामने डायरेक्टली ये बात कबूल नहीं कर रहे हैं, हालांकि इनडायरेक्टली शी इज प्लेइंग बिहाइंड द आईओए। आईओए अब इंडियन फुटबॉल टीम को लेकर फर्म है, दे आर नॉट सेंडिंग इंडियन फुटबॉल टीम टू एशियन गेम्स। तो अब गाइस, द लास्ट होप इज ऑन अनुराग ठाकुर एंड हिज मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स। यहाँ पे अनुराग ठाकुर अगर इंटरवीन करेंगे, ओनली देन इंडिया कैन गो टू एशियन गेम्स, अदरवाइज जस्ट लाइक द लास्ट टाइम, इस बार भी हम एशियन गेम्स खेल नहीं सकेंगे। कुछ दिन पहले इंडियन फुटबॉल टीम का हेड कोच इग्निस डिमार्च ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को अपील किया था, ताकि इंडियन फुटबॉल टीम को एशियन गेम्स में खेलने को मौका मिले। अब गाइस, इस अपील को आईओए सही तरीके से नहीं ले रहे है। आईओए के मुताबिक ये इग्निस डिमार्च ने सही नहीं किया। क्यों इग्निस डिमार्च ने आईओए के मौजूदगी के बावजूद प्राइम मिनिस्टर को यहाँ पे लेटर भेजे? इग्निस डिमार्च का ये एक्ट कहीं ना कहीं आईओए के तवज्जो यहाँ पे कम करते हैं, व्हिच इन टर्न पीटी उषा के इमेज भी खराब कर रहे हैं। सेकेंडली गाइस, आईओए के मेंबर रहने के बावजूद कल्याण चौबे यहाँ पे फुटबॉल को एशियन गेम्स में भेजने के लिए मिनिस्ट्री को प्रेशराइज कर रहे है, और पीटी उषा इस विषय को अच्छे से नहीं ले रहे है। पीटी उषा के मुताबिक क्यों कल्याण चौबे सिर्फ और सिर्फ फुटबॉल को ही भेजना चाहते हैं? कल्याण चौबे आईओए का मेंबर है, सो ही शुड बी न्यूट्रल टू ऑल दिस इश्यूज। लेकिन पीटी उषा शायद ये बात भूल गए हैं, कल्याण चौबे इज द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। तो इस वक्त अगर किसी को इस विषय पे सबसे ज्यादा काम करना है तो गाइज वो है कल्याण चौबे, द मैन इज डूइंग हिज जॉब। लेकिन दिस हैज क्रिएटेड रिफ्ट इन आईओए, वेयर वन टीम इज इन पीटी उषा साइड एंड द अदर टीम इज इन कल्याण चौबे साइड। कल्याण चौबे को यहाँ पे लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो
कहीं ना कहीं दिस हैज हर्ट द ईगो ऑफ पीटी उषा और इसीलिए अब पीटी उषा अपना पॉलिटिकल पावर का इस्तेमाल करके इंडियन फुटबॉल टीम को एशियन गेम्स भेजने का विरोध कर रहे हैं। पीटी उषा सबको ये रिमाइंड करवाना चाहते हैं, शी इज द प्रेसिडेंट, अगर किसी का हुक्म आईओए पे चलेगा तो वो है पीटी उषा। सो गाइस, इन सब बातों के वजह से अब सफर करेंगे इंडियन फुटबॉल टीम। एट द एंड ऑफ द डे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री आईओए के रिकमेंडेशन पर ही काम करेंगे, इसीलिए तो आईओए यहां पे बनाया गया है। तो गाइस, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को अब जो आईओए से नेगेटिव रेस्पॉन्स मिल रहे हैं फॉर इंडियन फुटबॉल टीम, तो इस वक्त गाइस हम ये कह सकते हैं इंडियन फुटबॉल टीम का एशियन गेम्स में पार्टिसिपेशन पर अब कोई भी रोशनी का किरण नहीं रहा। एक तरफ से दिल पे पत्थर रख के आप ये स्वीकार कीजिए, पीटी उषा के ईगो और पर्सनल मोटिव के कारण आज इंडियन फुटबॉल टीम के प्लेयर्स एशियन गेम्स का दौरा नहीं करेंगे। और ये डिसीजन उस वक्त लिया गया जिस वक्त आईओए हैंडबॉल, बास्केटबॉल जैसे टीम्स को एशियन गेम्स भेज रहे हैं, डिस्पाइट दिस टीम्स आर नॉट बीइंग इन द टॉप 8 कैटेगरी। जो आईओए स्पोर्ट्समैनशिप और स्पिरिट्स ऑफ गेम की बात कर रहे हैं, वही आईओए ने विनेश फोगट जैसे रेसलर को एशियन गेम्स के लिए विदाउट एनी ट्रायल्स, विदाउट एनीथिंग सिलेक्ट किया। तो गाइस, यहां पे क्लियरली आईओए अपने बाउंड्रीज में काम नहीं कर रहे हैं। जिस आईओए को इंडियन स्पोर्ट्स के ग्रोथ के लिए फॉर्म किया गया था, आज वही आईओए फुटबॉल टीम के खिलाफ है। वरना प्रेस रिलीज में पीटी उषा ये लाइन जरूर नहीं कहते कि द फोकस विल बी ऑन सिलेक्टिंग स्पोर्ट्स दैट हैव अचीव ए टॉप 8 रैंकिंग इन एशिया इन द लास्ट 1 ईयर प्रीसीडिंग द एशियन गेम्स। तो दोस्तों, ये है इंडिया में स्पोर्ट्स का कंडीशन। अगर गवर्नमेंट ही फुटबॉल के साथ ऐसा बर्ताव करेंगे तो दोस्तों, इंडियन फुटबॉल टीम इस सेंचुरी में कभी एशिया के टॉप 8 कंट्रीज के बीच नहीं आ पाएंगे। लोग यहाँ पे फुटबॉल के बारे में नहीं समझ रहे हैं। यहाँ पे एशिया में 47 टीम्स फुटबॉल खेलते हैं और इन 47 टीमों के बीच में टॉप 8 में रहना, इट्स अ बिग थिंग। और गाइस, हमारे इंडियन फुटबॉल टीम जितना ज्यादा मैचेस खेलेंगे उतना ही ज्यादा हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट्स यहाँ पे होंगे। बट दिस सिंपल थिंग इज नॉट अंडरस्टूड बाय पीटी उषा एंड हर सपोर्टर्स इन इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। तो गाइस, मैं तो अब ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि अब ऐसा प्रतीत हो रहा है एवरीबॉडी इज अगेंस्ट इंडियन फुटबॉल एंड एवरीथिंग इज ऑलरेडी प्री डिसाइडेड। नाउ अपडेट आ रहे हैं गोथिया कप से, और गाइस, गोथिया कप में मिनर्वा एकेडमी का दबदबा जाहिर है। कल ही मैंने गोथिया कप के बारे में डिटेल में बात किया था, किस तरह से मिनर्वा एकेडमी ने इस टूर्नामेंट में अभी तक अनडिफीटेड रिकॉर्ड रखे हैं, वी हैव डिस्कस अबाउट दैट। लेकिन आज गाइस, मिनर्वा एकेडमी खेलने वाले है राउंड ऑफ 16 के प्लेऑफ में। इस वीडियो के रिलीज होने के कुछ देर बाद शायद मिनर्वा एकेडमी का रिजल्ट भी हमें मिल जाएंगे, बिकॉज मॉर्निंग 9:40 से ही मिनर्वा एकेडमी के मैच शुरू हो जाएंगे। स्पीकिंग ऑफ यस्टरडेज राउंड ऑफ 32 प्लेऑफ मैच, मिनर्वा एकेडमी ने एफसी एस्किल्स्टुना को 5-0 स्कोर लाइन से हराया। मिनर्वा एकेडमी के तरफ से डेनिशिंग, अनुराग इक्का, रियोशन सिंह, मोहम्मद जायेद और आशिक सोफी ने गोल डाले, तो पांच अलग अलग गोल स्कोरर हमें देखने को मिले। बॉयज 13 के इन मैचों में याद रखिएगा, एक हाफ सिर्फ 25 मिनट का खेला जाता है, तो डेफिनेटली दिस मैचेस आर एंटरटेनिंग टू वॉच। अब गाइस, गोथिया कप के राउंड ऑफ 16 प्लेऑफ में मिनर्वा एकेडमी सामना करेंगे ऑनरेड्स आईके 1 क्लब को, एक और स्वीडिश क्लब। तो डेफिनेटली मिनर्वा एकेडमी के ऊपर अपकमिंग मैच में निगाहें रहेंगे। अनदर इंडियन टीम एसकेएफ इंडिया बॉयज 13 कैटेगरी में राउंड ऑफ 32 से आगे नहीं जा सके। प्लेऑफ मैच में टीम को यूएसए के क्लब न्यू इंग्लैंड हैरिस ने 6-0 स्कोर लाइन से हराया। सो दैट्स अ ह्यूज डिफीट गाइस। तो हमारे उम्मीद अब सिर्फ और सिर्फ मिनर्वा एकेडमी के ऊपर है, द लोन सर्वाइविंग इंडियन टीम इन गोथिया कप। तो देखते हैं गाइस, आगे गोथिया कप में मिनर्वा एकेडमी कितने दूर तक जाते हैं। अब गाइस, अपडेट आ रहा है इंडियन फुटबॉल टीम से, और फीफा के लेटेस्ट रैंकिंग के मुताबिक इंडियन टीम का फीफा रैंकिंग अब 99 हो गया है। इसी के साथ इंडिया का एफसी एशियन कप एंड फीफा वर्ल्ड कप जॉइंट क्वालिफायर्स के पॉट 2 में रहना अब पक्का हो चुका है। वैसे गाइस, कुवैत के खिलाफ साफ चैंपियनशिप के फाइनल मैच में ही ये कंफर्म हो गया था इंडियन टीम का पॉट 2 सिक्योर करना। और गाइस, अब ये बस महज एक औपचारिकता रह गया था, फिर भी एवरीबॉडी इज वेटिंग फॉर द ऑफिशियल रिलीज ऑफ फीफा रैंकिंग। और कल फीफा ने ऑफिशियली अपना रैंकिंग रिलीज किया, जहां पे इंडिया को 99th पोजीशन पे रखा गया। दोस्तों याद रखिएगा, 27 जुलाई के पॉट्स के ड्रॉ से आगे यही लास्ट फीफा रैंकिंग रिलीज होगा। तो इस रैंकिंग को ही मान के अब एफसी अपना टीम्स ड्रॉ करेंगे। सो इंडिया इज इन द टॉप 2, व्हिच मींस इंडिया, उज्बेकिस्तान, चाइना, जॉर्डन, किर्गिस्तान,
पैलेस्टाइन जैसे टीमों को अवॉइड करेंगे जो इंडिया के साथ पॉट टू पर मौजूद है। रैंकिंग टेबल में बाकी टीमों की बात किया जाए तो जापान एशिया के हाईएस्ट रैंक्ड टीम है जिसका मौजूदा रैंकिंग है 20। लेटेस्ट फीफा रैंकिंग में टॉप 10 अनचेंज्ड रहे। टॉप पोजीशन पे यहाँ पे है अर्जेंटीना, नंबर 2 पोजीशन पे है फ्रांस और नंबर 3 पोजीशन पे है ब्राजील के फुटबॉल टीम। तो गाइज जैसे कि फीफा रैंकिंग अब रिलीज हो चुके हैं, अब सबके निगाहें रहेंगे 27 जुलाई को रिलीज होने वाले क्वालिफायर्स के ड्रॉस पे। तो गाइस इस ड्रॉ पे निगाहें बना के रखिएगा। द लास्ट न्यूज ऑफ दिस वीडियो, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने यहां पे साइन कर लिया है डिफेंडर मिकेल जबाको को। 34 साल के मिकेल जबाको अपने साथ एक्सपीरियंस लेकर इस टीम में आ रहे हैं, खास करके डिफेंस पर ये एक वाइटल एडिशन आप कह सकते हैं। एटलेटिको माड्रिड के वो प्रोडक्ट है, ही समवन हु हैज स्पेंट लॉट्स ऑफ इयर्स इन स्पेनिश फुटबॉल। तो गाइज मिकेल जबाको के टीम में होना नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के डिफेंस को और भी ज्यादा मजबूत करेंगे। तो गाइज आप इस डिफेंडर के रिक्रूटमेंट पर क्या कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर बताना। इसी के साथ गाइज इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले नए वीडियो में। अंटिल देन स्टे सेफ स्टे हेल्दी। अलविदा।